मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 1 से 20 तक के करने के लिए, जेई मेंस के 1 to 20 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, ठीक है? तो पहले मैं थोड़ा सा आपको आगे बता देता हूँ, आगे कराता हूँ। कितने बच्चों ने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है एंड सिक्स टेन फोर्टीन। देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू एन बॉयज आर रैंडमली डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स कंटेनिंग एन बॉयज एच। अगर 2n बॉयज हैं, टोटल 2n बॉयज हैं, और उनको हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना है, तो देखो ये तो फॉर्मूला ही होता है कि अगर 2n बॉयज हैं और उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है और हर एक ग्रुप में n आने चाहिए, तो क्या है उसका फॉर्मूला? तो नंबर ऑफ वेज जिसमें कि दो ग्रुप को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कितने वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, टोटल नंबर जो बनेगा वो कितना बनेगा। आई मीन कि हमारे पास 2n है, 2n स्टूडेंट्स हैं, 2n बॉयज हैं, और उनको दो ग्रुप में डिवाइड करना, हर एक में n आने चाहिए, तो उसका क्या तरीका होता है? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। यही ये तो फॉर्मूला ही होता है कि अगर दो ग्रुप है तो डिवाइडेड बाई 2। और अगर सब ये ग्रुप है, ग्रुप अगर मेंशन नहीं है, अगर ये ग्रुप मेंशन होता है कि ए और बी दो ग्रुप है, तो इसको मल्टीप्लाई इनटू 2 भी कर देते, तब इनटू 2 कर देते। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन तो नहीं है ना कि दो है या नहीं है, मतलब ये मेंशन नहीं है कि वो ए और बी है, डिस्टिंक्ट उसका डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है, हमें उसका पता नहीं लग रहा है कि वो कैसे है, मेंशन नहीं है उनके ऊपर, नाम मेंशन नहीं है, सीधे ग्रुप्स है, तो इसलिए हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब हमको ये बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट द टू टॉलेस्ट बॉयज आर इन डिफरेंट ग्रुप। टू टॉलेस्ट बॉयज आर नॉट इन द प्रोबेबिलिटी दैट द टू टॉलेस्ट बॉयज आर इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब दो लड़के हैं, वो अलग अलग ग्रुप में होने चाहिए, दोनों डिफरेंट ग्रुप में होने चाहिए, तो सपोज करो इसमें दो लड़के रहे होंगे तो वो सबसे लंबे, टू टॉलेस्ट बॉयज। तो ये जैसे मैंने दो ग्रुप बनाए, दोनों डिफरेंट ग्रुप में होने चाहिए, अगर एक इसमें है तो दूसरा इसमें होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इन दो को आप पहले ही निकाल दो, इन दो का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, एक इसमें चला गया एक इसमें चला गया, दो को मतलब एक इस ग्रुप में एक इस ग्रुप में, तो बचे हमारे पास कितने, टोटल थे 2n। तो यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस बनेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आएंगे, तो 2n में से आप दो को तो निकाल दो, 2n-2 फैक्टोरियल, टोटल 2n है, 2 आपने माइनस कर दिया, बचे 2n-2। अब 2n-2 को आपको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, कौन कौन से दो ग्रुप होंगे, इस वाले में n-1 आएंगे और इसमें भी n-1 आएंगे, तो ये हो गया आपका n-1 और n-1 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ग्रुप्स है डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें आप ये देखो कि जैसे हमारे पास दो ग्रुप है, अब जो स्टूडेंट इस वाले जो बॉय इस वाले ग्रुप में आ गया वो इसमें भी तो आ सकता है और ये वाला इसमें आ सकता है, तो इसका मतलब इसको हम दो तरीके और हो जाएंगे। हेलो, अरे क्लियर नहीं है स्क्रीन, क्लियर नहीं है, तो इसलिए हमको इंटू टू और करना पड़ेगा,
ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये ए और बी बॉय है, तो बी बॉय इस वाले ग्रुप में आ जाएगा, ए इसमें आ जाएगा, तो एक और केस भी तो बन जाएगा, क्लियर है। बट किसी एक किसी स्टूडेंट का मैसेज था कि स्क्रीन इज नॉट क्लियर। हाँ तो चेक योर नेटवर्क। तो ठीक है बेटा, तो ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इससे इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, ये हो गया 2n-2 फैक्टोरियल, और सॉल्व कर दो इसको अब, 2n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और 2, और डिवाइडेड बाय दिस, जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम एन एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल। देखो अगर इसमें से मैं 2n और 2n- बाहर ले लूं, तो यहां पर बचेगा 2n-2, एंड 2-2 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें से n बाहर ले लूं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से n बाहर आ जाएगा n-1 से, तो ये n आ जाएगा, और a 2 ये बचेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो दिस इज द आंसर, n² अपॉन 1, n से n भी कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी n/2n-1। क्या आपको ये बात समझ में आई, किसी को डाउट है कोई? टू से क्यों, ये वाला क्यों मल्टीप्लाई किया, ये वाला, ये इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जब आप ये दो ग्रुप बनाओगे ना, जैसे मान लो ये ग्रुप बन गए, तो ये दो बॉय हैं और दोनों बॉय डिफरेंट ग्रुप में होने चाहिए, तो एक ग्रुप ये है, इस ये वाला ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, तो कोई से भी दो ग्रुप हो गए होंगे ना। अब दो ग्रुप में ये एक बॉय है, एक ये बॉय है, और ये दोनों बॉय अलग अलग होने चाहिए। तो सपोज करो यहाँ पर जो ए बॉय है वो इस ग्रुप में आ रहा है और बी बॉय इस ग्रुप में आ रहा है, तो अगर हम चेंज कर दें, बी इधर कर दें, ए इधर कर दें, तो एक और केस बन जाएगा, तो 2 केस बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जितने केस बनेंगे उसके उतने ही केस डबल बन जाएंगे जब हम इनको चेंज कर देंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर? क्या प्रॉब्लम है बताना, प्रॉब्लम बता क्या है। भाई अगर दो स्टूडेंट है ना, इसमें राम है इसमें श्याम है, इस वाले ग्रुप में राम है इसमें श्याम है, तो एक केस बन गया। अब श्याम को इधर कर दे, राम को इधर कर दे, तो उतने ही केस एक और भी तो बन जाएगा, तो उसके डबल हो गए सारे केस। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। द चांस दैट द चूजन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच आर अनचेंज्ड। मतलब क्या है इसका, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूज किया गया है कि जिसके रूट्स का अगर हम स्क्वायर करके प्लस कर दें बाय स्क्वायरिंग, मतलब अगर उसको हम स्क्वायर कर दें, अगर हम उसको स्क्वायर कर दें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स को अगर हम स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने पर वो अनचेंज्ड रहती है। सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है, ये रूट्स हैं, रूट्स अल्फा और बीटा है, तो ये कह रहा है कि अगर हम अल्फा स्क्वायर कर दें और बीटा स्क्वायर कर दें, ये कर दिया, तो वो अब क्या रहेगा,
अब भी वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, जो इक्वेशन है वो सेम रहती है, सेम इक्वेशन आएगी, ये कह रहा है। दोबारा सुनो, अगर कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अगर हमने उसके रूट्स को स्क्वायर कर दिया, तो उसके रूट्स का स्क्वायर करने पर भी वो सेम रहती है, मतलब इक्वेशन चेंज नहीं होगी, इक्वेशन वो की वही बनी रहेगी। तो अगर हमने रूट्स अल्फा बीटा लिए, फिर बाद में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दिया, तो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, इक्वेशन सेम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रूट्स और ये रूट्स सेम है, तो इनका जो सम ऑफ द रूट्स आएगा वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होना चाहिए। जितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा उतना ही अल्फा प्लस बीटा होगा, और जितना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा उतना ही अल्फा बीटा भी होगा। तो यहां से आप इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमको क्या मिलेगा कि आइदर अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा जीरो और अल्फा बीटा इक्वल टू वन। तो क्या केस बनेंगे, इफ अल्फा जीरो, अगर मान लो हम अल्फा को जीरो ले रहे हैं, तो अल्फा जीरो हो गया जीरो, तो बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बीटा के। तो यहां से बीटा की वैल्यू आएगी एक जीरो आएगी, एक वन आएगी, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा, बीटा इधर लाके कॉमन करो, तो या तो बीटा जीरो आएगा या बीटा इक्वल टू वन आएगा। तो क्या क्या केस बन गए, अगर अल्फा जीरो हो गया तो बीटा या तो जीरो होगा, तो एक तो जीरो जीरो रूट बन गया, अल्फा जीरो है तो वन होगा, एक जीरो वन बन गया, एक तो ये बन गए। तो जो इक्वेशन होगी तो उस इक्वेशन के रूट्स या तो जीरो जीरो होंगे या जीरो वन होंगे, ऐसा तब होगा। अब आप बीटा जीरो ले लो, अगर मान लो बीटा जीरो है, इफ बीटा जीरो, बीटा को जीरो रखो यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो ऐसे में अल्फा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू वन आ जाएगा, या तो जीरो या वन। तो जब हम बीटा को जीरो लेंगे, अल्फा जीरो लेंगे, तो यही वाला रूट आ गया, और जब हम बीटा को जीरो लेंगे अल्फा को वन लेंगे, तो ये बन जाएगा वन और जीरो, एक ही आ गया। तीसरा केस क्या बनेगा, अल्फा बीटा इक्वल टू वन आ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वन आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वन आ रहा है, तो अल्फा वन हो सकता है, बीटा भी वन हो सकता है, अल्फा वन। तो ये जो जैसे ये जीरो और वन रूट आए ना, एक एक रूट आ गया जीरो, एक रूट आ गया वन, तो ये दो काउंट नहीं होंगे, ये कोऑर्डिनेट थोड़ी ना है। तो इसका मतलब तो ये आ गया ना कि एक रूट जीरो आया एक वन आया, तो वो अल्फा भी हो सकता है बीटा भी हो सकता है। तो ये तो एक ही बात हुई दोनों से, इससे और इससे अलग अलग रूट नहीं है, वन जीरो और जीरो वन, अल्फा और बीटा दो रूट थे ना। तो अभी हमारे पास दो ही रूट आए, तीसरा केस हो सकता है कि अगर अल्फा बीटा वन है, तो अल्फा की वैल्यू वन हो सकती है, बीटा वन होगा, वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट आ जाएगा हमारा अल्फा वन बीटा वन, ये आ जाएगा, तीन हो गए। अब एक जो होंगे इसके इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। सपोज करो एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी रूट्स। तो देखो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर गया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर अगर अल्फा को हम ओमेगा ले रहे हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा की पावर फोर हो जाएगा, यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों क्या सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसको ओमेगा लिया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू दी पावर फोर भी ओमेगा ही होता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है।
एक रूट हमारी इमेजिनरी रूट हो गए, एक हो गया ओमेगा, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर। कुल मिला के अब हमारे कितने रूट बन गए, 1, 2, 3, 4, 4 रूट बन गए। तो ये टोटल जो इक्वेशंस आएंगी उसके जो रूट हो गए वो 4 हो गए, तो 4 टोटल बन गए। अब इसमें इक्वल रूट कौन कौन से हैं, एक तो यारे इक्वल रूट 0 0 जब हो रहा है, और एक यारे 1 और 1, 2 इक्वल रूट्स हैं। तो ये 2 बाई 4, 2 बाई 4 मतलब 1/2, 1/2 आंसर हुआ। इमेजिनरी काउंट किया तभी तो बन रहे हैं चार, इमेजिनरी को काउंट करने पर ही तो चार बने। अरे भाई एक तो एक, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, ये और ये सेम है, इन दोनों में से एक ही काउंट होगा, ये दो अलग अलग रूट नहीं है, 0 1 और 1 0 अलग अलग रूट नहीं है, ये तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है। एक रूट 0 है और एक 1 है, या तो उसे 0 1 कहो या 1 0 कहो, रूट तो सेम हुआ, अलग अलग रूट, इससे अलग इक्वेशन थोड़ी ना बन जाएगी, इस वाले रूट से अलग इक्वेशन थोड़ी ना बनेगी, सेम ही तो बनेगी। तो ये 1 2 और 3 और 1 4, 4 ही रूट तो टोटल हो रहे हैं इमेजिनरी को काउंट करके। अगला क्वेश्चन देखो, फाइव पर्सन्स एंटर्ड द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर बिल्डिंग। सपोज दैट ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली एंड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी कैन लीव द केबिन एट एनी अदर फ्लोर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फाइव पर्सन्स लीव एट डिफरेंट फ्लोर। देखो यहां से जैसे फर्स्ट फ्लोर पे ये 8 फ्लोर बिल्डिंग है, यहां से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके कितने फ्लोर बिल्डिंग है, ये 8 फ्लोर बिल्डिंग है। अब 5 लोग इसमें, 5 persons entered the lift on the ground floor of 8 floor building. Suppose that each of them independently and with equal probability can leave the cavern at any other floor starting from the first floor. The probability that all 5 persons leave एट डिफरेंट फ्लोर। सारे के सारे 5 लोग यहां पे चले गए, सब एंटर कर गए केबन में। अगर हम ये काउंट करें, हर एक आदमी इंडिपेंडेंटली उतर सकता है उसमें से, केबन में से इंडिपेंडेंटली उतर सकता है जो लिफ्ट है। तो जो टोटल 5 लोग हैं वो यहां से यहां तक 8 फ्लोर बिल्डिंग है, ये 8 फ्लोर बिल्डिंग में कितने तरह से उतरेंगे वो। जो पहला पर्सन है उसके पास कितनी चॉइस होंगी यहां से यहां तक उतरने की, लिफ्ट के केबिन में 5 लोग हैं और उनमें से कोई सा भी आदमी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है, तो उसके पास कितनी चॉइस है पहले आदमी के, 8 चॉइस है। पहले पर्सन के पास 8 चॉइस है और दूसरे के पास कितनी चॉइस होंगी, 7 होंगी। दूसरे के पास 7 क्यों होंगी भाई, इसमें हम टोटल केस देख रहे हैं, पहले हम टोटल केस देख रहे हैं, हमने इसमें अभी कंडीशन अप्लाई नहीं की, हम तो अभी क्या देख रहे हैं, टोटल केस। तो दूसरा वाला भी 8 तरीके से ही कर सकता है। थर्ड पर्सन कितने तरह से,
थर्ड पर्सन भी एट, तो ये टोटल एट एट कितनी बार, पांच के पांच, तो टोटल आ जाएगा एट टू दी फाइव, ये टोटल केस बन जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ केस बन गए एट टू दी पावर फाइव। अब ये तो बने टोटल केस, अब हमको चाहिए फेवरेबल केस। फेवरेबल केस में है कि हर एक पर्सन डिफरेंट, हर एक पर्सन डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है, तो हर एक पर्सन डिफरेंट फ्लोर पे उतरेगा तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके पास कितने केस होंगे, वो कितने तरह से उतर सकता है, एट, दूसरा वाला सेवन, तीसरा सिक्स, फिर फाइव इंटू फोर, इतने तरीके हो गए। तो टोटल आंसर क्या आ गया, फेवरेबल केस अपॉन दिस, ये देखो क्या बनता है आंसर, नहीं बनता, ये आंसर बन रहा है, या फेवरेबल केस अपॉन डिवाइड कर दो एट, यहां पर कर दो डिवाइड, समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, चलो अब आगे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, देखो बेटा, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ए 0.7, पी बी कॉम्प्लीमेंट, पी बी कॉम्प्लीमेंट ए, पी ए यूनियन बी 0.8, देन ए फाइंड करना है, तो ये तो बहुत आसान है, अगर आपको पी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ तो यहां से आप पी ए फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, यही तो होता है, पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है, तो आप इसको 1 में से माइनस करोगे तो आएगा आपका 0.3, और यहां से पी बी कितना आएगा 1 माइनस ए हो जाएगा। तो बेटा इसमें तो अब क्या करोगे, आप ये थ्योरम लगा दो, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए पी बी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता है, दिस इज 0.8, दिस इज 0.3, दिस इज 1 माइनस ए, दिस इज, अब पी ए इंटरसेक्शन बी, अब ये तो आपको गिवन नहीं है, बट वी आर गिवन, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी, और नाउ दिस विल बिकम, देखो 1.3, तो ये हो गया 1.3, और ए को इधर आ जाएगा, ये माइनस 0.8 माइनस पी ए, पी ए 0.3 और पी वी 1 माइनस ए, बस इसे सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल सिंपल है, निकल जाएगी ए की वैल्यू, फाइंड कर लो आंसर आ जाएगा, सॉल्व भी तो करना है। इसके बाद आएगा 14, ए एंड बी हैव इक्वल स्किल, आर प्लेइंग अ गेम ऑफ बेस्ट ऑफ 5 पॉइंट्स, आफ्टर ए हैज वन, ए हैज वन 2 पॉइंट्स एंड बी हैज वन 1 पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन द गेम, बेस्ट ऑफ 5 पॉइंट है, ए ने कितना जीत लिए है, ए ने 2 पॉइंट जीत लिए, ए 2 पॉइंट जीत चुका है, बी 1 पॉइंट जीत चुका है, तो अब करना क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन द गेम, बताओ ए जीतेगा, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये निकालना, ई ए विन, ए और बी एक गेम खेल रहे हैं, बेस्ट ऑफ 5, ए ने कितने कर लिए, ए ने 2 पॉइंट जीत लिए,
और बी ने एक पॉइंट जीत लिया है, तो जीतना कौन चाहिए? ए जीतना चाहिए। तो ए कैसे जीतेगा बताइए, दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ए जब जीतेगा ना, जब उसके ज्यादा होंगे, तो ज्यादा कैसे होंगे, तीन गेम तो जीत चुका है, कैसे आएगा बताओ? थ्री विंस फ्रॉम द नेक्स्ट। जैसे ये तीन गेम तो हो चुके ना, एक दो तीन और पांच, इसमें से दो ए जीत चुका। अब जो गेम बचे हैं, सपोज करो ये तो ए ने जीत लिए दो और ये बी ने जीत रखे हैं। अब आगे जो गेम बचा, दो पांच पूरे होने चाहिए, पांच जो बेस्ट ऑफ फाइव है ना, तो इसका मतलब इसको जीतने के लिए कितने चाहिए होंगे? इसके ज्यादा होने चाहिए ना, इसके कम होने चाहिए। तो अगले वाले कितने गेम हो गए, बी से ज्यादा जीत ले मान लो। अगर इसने पांच पूरे करने हैं, अगर इसने ए ने ये वाला जीत लिया एक, तो इसके पास तीन हो जाएंगे, और बी ने अगर जीत लिया तो दोनों के दो दो बराबर हो गए। तो एक गेम तो ये हो गया इस वाले गेम में, ये वाला जो गेम होगा, इस गेम को भी ए और बी में से कोई जीतेगा, दूसरा गेम हो गया। ए जीतेगा या बी, बी ने जीत लिया, बी के तीन हो जाएंगे, फिर ए के दो हो जाएंगे, इसका तब टोटल कितने बन जाएंगे, ए के पांच बन जाएंगे अगर यहां तक जीत ले तो, पांच। तो अगले वाले जो गेम होंगे चार, उसमें से ए को जीतना है ना, तो ए को जीतने के लिए कम से कम तीन गेम को जीतना होगा ना इसमें से। अगर मान लो ये तीनों जीत गया, अगले वाले तीन, तो ए के पांच हो जाएंगे, और फिर इसके बी के कितने होंगे, दो होंगे। तो अगले वाले चार गेम में से कितने जीतने पड़ेंगे इसको, तीन जीतने पड़ेंगे, तभी जीतेगा ए। तीन में से चार जीतने पड़ेंगे ना, तभी तो पांच होंगे, टोटल पांच बोल रहा ना, बेस्ट ऑफ फाइव, बेस्ट ऑफ फाइव। और इसका थोड़ा आगे करा दो, अब कल के लिए थोड़ा आगे पढ़ा दो, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। 15 में ये है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा? इसको या तो आप वेन डायग्राम से बना के देख लो, वेन डायग्राम से ही देख लो इसको बना के, जैसे ये होता है ना, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है, ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। बेटर होगा वेन डायग्राम बना देख लो, पहला ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना, ए और बी दो हो गई इवेंट ये, तो इनका इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, इसको छोड़ के जो बाकी बचा वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ए कॉम्प्लीमेंट माइनस का बी, तो इसको बना के ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कौन सा आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। अब आ रही ऑडियो ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्या ऑडियो में, आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? तो अगर ये ए है और ये बी है, तो ए और बी, तो आपको क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा, ये ए है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ के बचा, तो इसको छोड़ के कौन सा बचेगा, ए को छोड़ दो ना, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो जब बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट है, और कौन से बी को हटा दो,
ए कॉम्प्लीमेंट में से, ए कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला बचा जो इसको, जो लाइन वाला पार्ट है इसको छोड़ के जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अब उसमें से आपने बी को हटा दिया तो ये बी भी हट गया, तो बी को हटाने के बाद कौन सा वाला पार्ट बचा है? ये वाला पार्ट बच गया जो, जिसमें मैं ये लगा रहा हूँ सर्कल, ये वाला पार्ट। तो ये जो है ये कौन सा पार्ट है? ऐसे देख लो ना, ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी है। अब इसको चेक करके देख लो कौन सा वाला आ रहा है। पहला तो नहीं आ रहा है, अब दूसरे वाले का बना के दो, ए माइनस बी भी नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट ए माइनस बी, तो डी भी नहीं हो गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा, सी पार्ट हो गया, ऐसे ही पता लग रहा। ये ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी तो ये वाला आ जाएगा दोनों को मिला करके, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो बाकी बचा, तो ये सी पार्ट हो गया इसका, सी आंसर हो गया 15 का। क्या बात समझ आ गई? जैसे सेट में करते हो, सेट ही तो दे रखा सीधा है, प्रोबेबिलिटी तो इसमें है ही नहीं। क्लियर हो गया? चलो फिर इसको ना मैं थोड़ा आगे पढ़ाता हूँ कल के लिए, फिर आगे इसके डाउट्स कल और लेंगे, है ना? कल थोड़ा टाइम बचा है ना अभी, आगे का टॉपिक फिर कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। 36 तक लाएंगे करके, क्वेश्चन नंबर 36 तक। तो अब थोड़ा मैं आगे कराता हूँ, फिर इसके बाद कल इसके और डाउट्स लेंगे। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, होता क्या है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस? आपको इसमें तीन बातें याद करनी पड़ेंगी कि अगर E1, E2, E3, EN ये कुछ इवेंट्स है, सेट ऑफ इवेंट्स है, E1, E2, E3 ये कुछ हमारा सेट ऑफ इवेंट्स है, और अगर ये E1, E2 का कोई सी भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि अगर ये कुछ इवेंट्स दी हुई हैं तो इनमें कोई सी भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं पहली कंडीशन कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे इक्वल टू फाई, यहां पर आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, n, आई और जे क्या हो सकता है? आई और जे 1, 2, 3, n। मतलब जैसे मैं कहूं कि E1 इंटरसेक्शन E2, तो E1 इंटरसेक्शन E2 फाइव, E2 E3 फाइव, E3 E1 E3 E4 सब फाइव होना चाहिए, दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाइव होना चाहिए। एक दूसरी बात, जितनी भी इवेंट्स हैं इन सब का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। मतलब E1 E2 E3 कहाँ तक? EN तक, ये सब सैंपल स्पेस, यानी सबका यूनियन कर दें जितनी भी इवेंट्स हैं तो उनका यूनियन S के इक्वल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। यानी जैसे मैं PEI कहूं ग्रेटर देन 0 और ऑल आई इक्वल टू 1, 2, 3, n, इसका मीनिंग है कि जितनी भी इवेंट्स हैं सभी, जितनी भी इवेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको कहेंगे ये जो सेट ऑफ इवेंट्स है, ये है सेट ऑफ इवेंट्स, सेट ऑफ
इवेंट्स को पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहा जाएगा। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। अ सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3, EN इज सेड टू बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इफ कंडीशन 1, 2 एंड 3 आर सेटिस्फाइड। कोई दिक्कत? क्लियर होगी बात? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या है देखो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एक E1, E2, E3, EN इवेंट्स का एक सेट है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बनाता है, यानी सेट एक पार्टीशन, अ सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3, EN ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बनाता है। ऐसी ये सारी की सारी इवेंट है और सब नॉन जीरो हैं, और इसमें एक ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद ऑल द इवेंट्स, जितनी भी इवेंट्स है सबसे वो एसोसिएट है, एस के अंदर जितनी भी इवेंट्स हैं उन सबसे। देखो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस E1, E2, E3, EN का ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। एक कोई और इवेंट है A, वो जितनी भी इवेंट्स होंगी ये सैंपल स्पेस में उन सबसे एसोसिएट है। कैसे है, ऐसे समझोगे इसको आप, ये हम सैंपल स्पेस अगर इसको बनाएं, ये सैंपल स्पेस है। सपोज करो मैं एक इवेंट ये होगी, इसको मैं E1 इवेंट कह रहा हूं, ये E1 इवेंट है, एक इवेंट को मैंने इसको क्या कह दिया E2, एक इवेंट हो गई। जैसे सपोज करो ये E1 है, ये वाला जो पूरा सैंपल स्पेस है ना, इसमें E1 हो गई, ये E2 हो गई, ये E3 हो गई, है ना, E4, EN तक, ये सारे सैंपल स्पेस को हमने इस तरह से बांटा इवेंट्स में, पूरे सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दिया कि दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक इवेंट मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एक ये वाला पार्ट है वो इवेंट से शो हो रहा है कि ये वाली इवेंट है, यानी जो रेक्टेंगल का पार्ट है, सैंपल स्पेस का पार्ट है, उसको इवेंट, इसको इवेंट बता रहे हैं कि ये इवेंट होगी। तो एक इवेंट ये, जैसे सपोज करो एक इवेंट ये हो गई E2, E3, है ना, ये E4 हो गई, ऐसे ये कोई और E5 ऐसे करके, और ये लास्ट वाली EN। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये रेक्टेंगल है, ये हमारा सैंपल स्पेस है, रेक्टेंगल जो है वो सैंपल स्पेस है, और उसमें जैसे ये जो पार्ट है ना रेक्टेंगल के, ये इवेंट से शो हो रहे, E1 इवेंट, E2 इवेंट, E3, E4, EN, ये सारे के सारे पार्ट इवेंट को शो कर रहे हैं। एक और इवेंट है A जो इन सबसे एसोसिएट है, यानी कि वो इवेंट ऐसे करके होगी, देखो ये A इवेंट होगी, ये जो इवेंट है ये वाली जो मैंने इस तरह से बनाई है सर्कल करके, ये तो ये इसके साथ भी एसोसिएट है, इसके साथ भी है,
इसके साथ भी है। तो एक और इवेंट है जो इन सारी की सारी जितनी भी इवेंट्स हैं उनसे एसोसिएट है ये ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तुम इसमें एक बात देखो कि जो इसको हम ये कहें कि एस एस जो होगा वो किसके इक्वल है, सैंपल स्पेस ई वन ई टू और ये सबका यूनियन, ये तो एस हो गया, सबका यूनियन एस हो गया। तो यहां पर आप जो इवेंट ए है क्या उसको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एस लिख सकते हो? ए कोई इवेंट है, एस सैंपल स्पेस है, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए के इक्वल आएगा। आप ए को ए लिखो, इंटरसेक्शन एस की वैल्यू डाल दो, ई वन ई टू ई एन। इसके साथ आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, कैसे ए इंटरसेक्शन ई वन है तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ई वन फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू यूनियन ए इंटरसेक्शन ई थ्री लास्ट में ए इंटरसेक्शन ई एन। क्या ये बात समझ आ गई? हमने एस सैंपल स्पेस तो इसके इक्वल है क्योंकि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बना है, एस की वैल्यू डाल ली, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। अब आप इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू, ऐसे करके सबके साथ प्रॉपर्टी लगा दी। आप इसमें ये देखो ए इंटरसेक्शन ई वन ये वाला पार्ट होगा, ए इवेंट का और ई वन का जो कॉमन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ई टू ये वाला पार्ट होगा, ए और ई टू में जो भी आ रहा होगा, ए और ई थ्री ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये ए है और ई टू ये वाला था, यहां से यहां तक ई टू अगर ले लेते हैं तो ई टू ये वाला हो गया, तो ए और ई टू का ये वाला पार्ट हो जाएगा जो कॉमन हो जाएगा इसमें। तो ये जितने भी पार्ट आएंगे ना वो सब के सब डिस्टिंक्ट आएंगे, डिसज्वाइंट आएंगे। अगर ये सब डिसज्वाइंट है, जैसे ये वाला भी डिस, ये सब के सब डिसज्वाइंट है, अगर सारे के सारे, तो इसके जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ए, पी ए वो किसके इक्वल होगी, प्लस हो जाएगा सब ये, पी ए इंटरसेक्शन ई वन पी ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस पी ए इंटरसेक्शन ई एन। क्यों? देखो ये ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता ना पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगर ए और बी डिसज्वाइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी पाई होगा और पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ जाते हैं। यही बात हमने यहां पे लगा दी कि ये यूनियन है सबके सब और ये सब डिसज्वाइंट है, सारे प्लस हो जाएंगे। अब आप यहां पर लगा दो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, पी ए इंटरसेक्शन ई वन को हम लिख सकते हैं पी ई वन पी ए बाई ई वन। इसको हम लिख सकते हैं पी ई टू पी ए बाई ई टू। और इसी तरह से लास्ट में पी
ये जो थ्योरम आई पी ए, इसकी प्रोबेबिलिटी आई ना, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई पी ई वन पी ए बाई ई वन पी ई टू पी ए बाई ई टू पी ई एन पी ए बाई ई एन, ये होती है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन देखो कैसे होता है इसके ऊपर, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप। समेशन पी ई आई आई इक्वल टू, ऐसे भी तो लिख सकते हो। यहां पे याद रहे जो पी ई आई है, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि नीचे आ रहा ना है पी ए ई बाई, तभी ये डिफाइन होगा। अगर ये जीरो हो गया तो डिफाइन नहीं होगा। तो दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊं, क्लियर हो गया हो तो देखो इसका मतलब क्या है। इसमें एक चीज ये रखना कि यहां पर जो ए ए जो प्रोबेबिलिटी, ए जो इवेंट है जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो जो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बन रहा है उससे एसोसिएट इवेंट है। E1, E2, E3, EN जो होंगी वो सैंपल स्पेस को डिवाइड करके पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बना रही है, और A उससे एसोसिएट इवेंट है, इतना याद रखना। अब देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अ पर्सन हैज अंडरटेकिन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, स्ट्राइक हो जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.65 है। द प्रो 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, will be completed on time if there is no strike. अगर strike ना हो, strike, अगर strike ना हो तो काम complete हो जाएगा, इस बात की probability 0.80 है। 0.32 that the construction job will be completed on time if there is strike. अगर strike हो गई तो कंप्लीट हो जाएगा, 0.32 है। इफ देयर इज स्ट्राइक, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो जो काम जो पूरा होगा, काम को जो पूरा होगा वो टाइम से पूरा हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो जो काम है हमारा वो दो चीजों पे एसोसिएट है, काम टाइम से पूरा हो, ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक स्ट्राइक होगी, एक स्ट्राइक अगर नहीं होगी, तो स्ट्राइक और नॉट इस पे डिपेंड हो रहा है दोनों से। तो यहां पर जो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनाएगा, एक स्ट्राइक हो रही है एक स्ट्राइक नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो E1 और E2 लेंगे आप, जो दो इवेंट आप E1 E2 लेते हैं, तो वो स्ट्राइक होने को और नहीं होने को लेंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टाइम पूरा होगा, टाइम से काम पूरा होगा, काम पूरा हो जाएगा हमारा टाइम से पूरा होगा, तो ये स्ट्राइक पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसे हम A लेंगे, वो इवेंट हम ए लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो मैं E1 लेता हूं कि E1 बी द इवेंट
दैट देयर इज अ स्ट्राइक. और ई टू नॉट स्ट्राइक, नो स्ट्राइक. ई वन और ई टू, तो हमने इसको ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बनाएगा. यहां पर स्ट्राइक होगी, होने की प्रोबेबिलिटी पी ई वन, स्ट्राइक नहीं होगी पी ई टू. तो स्ट्राइक होने की 0.65, तो स्ट्राइक नहीं होने की क्या हुई, वन में से माइनस कर दो, 0.35. स्ट्राइक होगी 0.65, स्ट्राइक नहीं होगी 0.35, वन में से माइनस करके आ गया. अब काम पूरा होगा, काम पूरा होगा अगर स्ट्राइक हुई तो, मतलब स्ट्राइक हुई तब भी काम पूरा हुआ, तो उसको हम ए ले रहे हैं. ए बी द इवेंट दैट वर्क इज कंप्लीटेड, वर्क इज कंप्लीटेड, काम पूरा हो जाता है, इसको हम ए ले रहे हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे पी ए बाई ई वन. ये क्या बता रहा है, ए बाई ई वन का मतलब है कि स्ट्राइक हुई फिर भी काम हुआ, स्ट्राइक हुई फिर भी काम हुआ. तो वो कौन सा है, स्ट्राइक हुई फिर भी काम हुआ 0.32. दूसरा, स्ट्राइक नहीं हुई फिर भी काम हुआ, नो स्ट्राइक. स्ट्राइक नहीं हुई, काम फिर भी पूरा हुआ, काम तो काम की तो ये होगी ना, वर्क इज कंप्लीट, तो वो होगी 0.80. ये क्या हुई स्ट्राइक, ये स्ट्राइक नहीं हुई, ये ए, ए मतलब वर्क इज कंप्लीट व्हेन देयर इज स्ट्राइक. ए बाई ई टू, वर्क कंप्लीट When there is no strike, ऐसे पता लगेगा. तो अब हमको find क्या करना है, A. A जो है काम पूरा होना, वो दोनों जगह associate है, strike से associate है. तो अब हमें काम पूरा होने की probability निकालनी है, पी ए. तो ये किसके equal होगा, strike हुई पी ई वन और काम पूरा हुआ, फिर स्ट्राइक हुई काम, स्ट्राइक नहीं हुई काम पूरा हुआ. तो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पर अप्लाई करेंगे. इसमें वैल्यू डाल दो, सारी वैल्यू, 4 वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इसमें वैल्यू डाल दो, बस आंसर आ जाता है. तो ये क्वेश्चंस हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के, ठीक है. इसके आगे बेस थ्योरम आएगी, तो वो फिर आगे कराएंगे, अभी टाइम तो फिर कम हो गया. जो मैंने मेंस के क्वेश्चन दिए हैं वो करके लाना आप लोग, ठीक है. कोई डाउट होगा तो फिर कल बताना, राइट. ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताइए. 13.3 तो अभी नहीं करोगे ना, बेस थ्योरम है, इसमें बेस थ्योरम भी समझानी है, उसके क्वेश्चन कराने हैं. तो फिर तो मैं कल करा दूंगा, तब 13.3 करना. आज आप फिलहाल क्या कर लेना कि इसके क्वेश्चंस कर लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चन वेक्टर के कर लेना. ये बता दिया ना मैंने आपको, 36 तक क्वेश्चन दिए ना प्रोबेबिलिटी के, मैंने 33 कहाँ तक दिए, 36 तक दिए ना ट्राई करने के लिए मेंस के क्वेश्चन, उनको कर लेना. और इसके बाद वेक्टर के क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा तो कर लेना.